हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी। मतलब ये कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर बात करें वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकते हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अगर मोशन में है तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये कि हम चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट के शेप या फिर साइज की बात करें तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं या फिर लाने की कोशिश कर सकते हैं। दिया हुआ चेंजेज आर टेंस टू चेंज, मतलब हम ला सकते हैं या फिर लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। फर्स्ट, फोर्स कैन काज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी में हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन है तो हम फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड इट इज सेट इन टू मोशन। फुटबॉल को किक करके हम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। हम चाहें तो किसी मूविंग बॉडी या कोई ऐसा बॉडी जो मूव कर रहा है हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में ला सकते हैं। अ मूविंग कार कम्स टू रेस्ट ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करके हम किसी भी मूविंग कार को क्या कर सकते हैं, वो स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। अ मूविंग कार चेंजेज इट्स डायरेक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स स्टीयरिंग व्हील। अगर हम बात करें एक मूविंग कार की तो कार मूव कर रहा है, अगर हम चाहें तो उसकी स्टीयरिंग व्हील पे क्या होगा, उस पर हम एक फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में, सॉरी उसको लेफ्ट में या फिर राइट में फोर्स अप्लाई करके हम उसको मूव कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और दूसरा डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द स्पीड ऑफ अ कार कैन बी डिक्रीज बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। कोई भी कार मूव कर रहा है हम उसके ऊपर ब्रेक लगा करके हम उसको उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी तो है कि हम एक्सेलरेट भी तो कर सकते हैं, उसकी भी स्पीड को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज की बात करें तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको चेंजेस उसमें ला सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी कंप्रेस अ रबर बॉल इट्स शेप एंड साइज चेंजेस। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा सकते हैं। अगर हम इसकी इरेजर की बात करें तो इसका एक शेप और साइज है, ठीक है। अब हम जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वी फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो इसके शेप और साइज में क्या होगा, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के, वो हम यूजली देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ओके, थैंक यू।